औलाद की खातिर इंसान। माँ बाप कितना परेशान होते हैं बच्चों के लिए, सारी जिंदगी बेचारे माँ बाप बच्चों की ही प्लानिंग करते हैं, हाँ या ना। पर ये आजकल के आधुनिक बच्चे समझते नहीं कि माँ बाप का कितना बड़ा हमारे जीवन में योगदान होता है। माँ बाप जब भी सोचते हैं ना, तो अपने बच्चों के भले के लिए सोचते हैं। दूसरों से लड़ना पड़ जाए तो बच्चों के लिए लड़ जाते हैं। बाप के जैसा कोई नहीं हो सकता साहब, और माँ के जैसा कोई नहीं हो सकता। इस बड़े संसार में आपका भला यदि कोई चाहता है तो केवल दो लोग, पहला आपकी माता, दूसरा आपका पिता। तीसरा नाम आप बताओ। जो आपका भला चाहता है इस संसार में तीसरा कोई नहीं है, भगवान है। भगवान तो माँ बाप से भी पहले है, बाकी कोई नहीं है जो आपका भला चाहता हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है अपने माँ का खूब ख्याल रखो, माँ को खूब प्यार करो, माँ को वृद्धाश्रम में भेजने की सोचना भी मत, घर से निकालने की सोचना भी मत। रोज शाम को जाओ, अपनी माँ के पांव दबाओ, पूछो माँ आज क्या खाओगी। क्यों, आपकी माँ है, आप पूछते हो कभी माँ से माँ आज क्या खाओगी? नहीं पूछते ना। लेकिन जब आप छोटे थे ना, आपकी माँ पूछती थी आपसे, बेटा आज क्या खाओगे। मेरी माँ अभी भी मेरी पसंद का प्रसाद जब कभी कभी माँ पूछती है कि माँ, मेरी माँ मेरे से पूछती है बेटा क्या खाओगे आज। कभी कभी माँ के हाथ का खाने का मन होती है तो माँ बनाती है कभी मेरे लिए ये कभी वो। जो माँ को पसंद है वो आप ख्याल रखिए, जो आपको पसंद है वो माँ ख्याल रखती है। आपकी माँ ना हमेशा आपकी पसंद का बनाती थी, पूछती थी बेटा आज क्या खाओगे। तो क्या आपका धर्म नहीं है ये पूछने का कि माँ आज तुम क्या खाओगी, आज आप क्या खाओगी माँ बताओ। केवल माँ ही जिम्मेदारी पूरी करे, आप नहीं करोगे। रिश्तों को समय देना सीखो, माँ के पास बैठो, थोड़ा हंसो, कुछ बातें करो, पूछो माँ क्या खाओगी, आज तुम्हारे लिए कौन सी मिठाई बनाए, माँ को कौन सी साड़ी लाकर, माँ कैसी साड़ी पहनोगी, साड़ी लाए तुम्हारे लिए, सूट लाए, जो पहनती हो तुम्हारी माँ क्या पहनोगी वो ला कर दे। माँ आपकी पसंद के कपड़े दिलाती थी तो आपको क्या माँ की पसंद की साड़ी या सूट जो भी पहनती है नहीं दिलाना चाहिए? क्या माँ की पसंद का ख्याल नहीं रखना चाहिए? अरे भाई आज हम भी कल के लिए बूढ़े हो जाएंगे, कल आप जब बूढ़े होंगे तो आपको लगेगा कि आपका बच्चा आपसे पूछे कुछ बात करे, जैसे आज आपके बाप को लग रहा है कि मेरी औलाद मेरे से पूछे बात कर, लेकिन आज आपको टाइम नहीं है। कल आप बाप बन जाओगे, आपकी औलाद को टाइम नहीं रहेगी। कहीं ये परंपरा ना बन जाए टाइम ना देने की, इसलिए टाइम निकालो, माँ से पूछो माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ। सबसे कम जरूरतें माँ की होती हैं, कोई जरूरत नहीं माँ की, दो रोटी से मतलब है बस। माँ बाप को ना बुढ़ापे में एक चीज चाहिए, मैं बच्चों से एक बात पते की कह दूं, आपके लिए करोड़ों की बात है ये, सुन लेना समझ लेना। बूढ़े माँ बाप को क्या चाहिए अच्छा बताओ, आप बताओ बूढ़े माँ बाप को क्या चाहिए आपसे? समय, आप कह रहे हैं समय, क्या चाहिए, क्यों आप बताओ भैया? बूढ़े माँ बाप को क्या चाहिए होता है? खाना, 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 सेवा, आप बताओ बूढ़े माँ बाप को क्या चाहिए होता, क्या सेवा, क्या चाहिए बूढ़े माँ बाप, बूढ़े लोगों को, बूढ़े माँ बाप को क्या चाहिए, माँ बाप को क्या चाहिए?
अब बूढ़ों से पूछ लेते हैं। क्यों दादाजी बताओ, बूढ़े माँ बाप को क्या चाहिए, आप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं बताओ? रोटी? हाँ सुनो, बूढ़े माँ बाप को रोटी की भूख नहीं है, रोटी तो बहुत मिल जाएंगी। माँ बाप को ना वो ये चाहते हैं कि मेरी बहू जो है, मेरा बेटा जो है, बहू से भी नहीं, माँ बाप बहू से भी नहीं चाहते, केवल अपनी औलाद से। मैं अपनी औलाद से चाहूंगा जो चाहूंगा, बहू से थोड़ी चाहूंगा। बहू अपना खून नहीं है, बहू गलती करेगी उसकी 100 गलतियां माफ हैं, क्योंकि बहू इस घर की परंपरा को आ जाई है, थोड़ी जानती समझती है, इसलिए बहू की कोई गलती नहीं, हमें बहू से कोई शिकायत नहीं। हमें तो बस बेटे से चाहिए, क्या हमारा बेटा बुढ़ापे में अपने बूढ़े बाप का, बूढ़ी माँ का सम्मान करे, आदर करे, गर्व से कहे कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, सम्मान से, प्यार से। तुम्हारा बाप तुमसे क्या चाहेगा, तुम उसे रोटी क्या दोगे? बाप की रोटियों पर तुम्हारी औलाद पल रही है, उसने ही तो तुम्हें जमीन जायदाद दी है, घर दिया रहने को तुमने थोड़ी दिया है। तुम अपने बाप को क्या दोगे, बाप ने तुम्हें दिया है। क्यों, कितने लोगों के बाप ने रहने को घर और जमीन जायदाद दे रखी, जरा हाथ उठा लो। क्यों दिया ना बंटवारे में, तो तुम अपने बाप को क्या दोगे? तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया है, तुम थोड़ी दे सकते हो भाई। बाप कमा कमा के औलाद को देता है ना, मरने के पहले सारा सोना चांदी, आपका जमीन जायदाद, घर मकान दुकान सब ना देके गया, जितना उसके पास था सब तो दिया। मरने के बाद तुम बच्चे बांट लेते हो आपस में, तो बाप तो तुमको देता है, माँ तो तुमको देती है, तुम क्या दोगे उसे? लेकिन धिक्कार है उनको, कितना लेने के बाद भी अपने बाप का सम्मान नहीं करते। तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिला के पाल पोस के बड़ा किया, अरे अपनी माँ का, अपने बाप का अधिकार से सम्मान करो, प्यार करो, माँ को प्यार करो सम्मान के साथ, ये मेरी माँ है। पत्नी को समझाते रहो हर दूसरे दिन, मेरी माँ का सम्मान करना सीख लो। शादी करने के पहले लड़कियों से बोल दिया करो कि मेरे घर में मेरी माँ का सम्मान करने वाली लड़की लाना चाहता हूँ पत्नी के रूप में, यदि तुमसे मेरी माँ बाप का सम्मान करना आए तो मेरे से शादी कर लो, वरना दूसरा देखो। एक बनवा लो पर्चा शादी के पहले, दिखा दिया करो छोरियों को, देख मेरी बूढ़ी माँ मेरे बूढ़े बाप का सम्मान कर पाएगी तो शादी कर ले भैया, वरना जा अपने जहां तेरे को अच्छा लगे। क्यों, हम तेरे लिए अपने मां बाप ना छोड़ पाएंगे, तू चूल्हे में जा। क्यों, क्या कहते आप, तेरे लिए अपने मां बाप ना छोड़ पाएंगे? छोड़ देंगे, कल तुम्हारा जो छोटू सा गोलू मोलू तुम्हारी गोद में है, ये भी कल को बड़ा होके अपनी लुगाई के चक्कर में तुम्हें छोड़ दे, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। हाँ इसलिए मेरे ऊपर मेरी माँ का ज्यादा अधिकार है, मेरे पिता का ज्यादा अधिकार है, माँ बाप के बाद फिर पत्नी का अधिकार है। क्यों जी, कि पहला अधिकार पत्नी का है? क्यों आप पर आप पहला अधिकार किसका है, उत्तर दो, माँ बाप का है, सेवा कर लो साहब। कई जगह माँ बाप भी गलत होते हैं, मतलब वो पक्ष लेते हैं एक बेटे का, दूसरे बेटे दूसरी बहू से बातचीत नहीं करते, ऐसे माँ बाप कम होते हैं। ऐसे माँ बाप यदि हैं तो उनको मैं प्रार्थना करूं, बच्चों से भेद नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, बहू को बहू की तरह व्यवहार नहीं बेटी की तरह व्यवहार करना चाहिए, तब जाके घर स्वर्ग बनता है। यदि बेटा बहू माँ बाप के प्रति समर्पित हैं तो माँ बाप को भी बच्चों के प्रति समर्पित भाव से रह के काम करना चाहिए। ये व्यवहार है, एक से नहीं चलता, गलतियाँ कई बार माँ बाप की तरफ से भी हो सकती हैं,
बच्चों की तरफ से भी हो सकती हैं। हम आपसे बस ये कह रहे हैं कि देखो भले गलती माँ बाप की तरफ से होंगी, पर समाज माँ बाप की तरफ की गलती ना देखेगा, आपकी तरफ की गलती देखेगा। इसलिए बच्चों से कहता हूं कि तुम अपनी तरफ से कोई गलती ना करना। माँ बाप जैसे हैं भगवान हैं, जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, उन्होंने भले एक रत्ती हमें नहीं दिया, फिर भी खुश रहो। आप कमा के योग्य हो, कमा के खा लो। आप ये मत कहो कि माँ बाप ने कुछ नहीं दिया। जन्म दे दिया है, संसार में आने का मौका दे दिया, इतना भी पर्याप्त है। क्यों जी, सही है? इसलिए माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। क्यों जी, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं बताओ? सहमत हैं? आप सहमत नहीं हैं? हाँ, सास ना बैठी हो बगल में तो मत सहमत रहना, पर बैठी हो तो जरूर सहमत होना। हाँ, तो मेरी माँ, सेवा करो अपने माँ बाप की, मस्त। हमें बहुत खुशी होती है। देखो ना, आजकल की औलाद इतनी नालायक हो गई, मैं क्या कहूं। बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते। आज मेरे पास एक मेरे कार्यकर्ताओं ने बताया कि एक बेटी अपनी माँ को लेके आई, आज या कल की घटना है। तो एक माँ को लेकर के आई अपनी बेटी, और बेटी इतनी चतुर, माँ की सारी जमीन घर सोना सब ले लिया, नाम पे कर लिया, और माँ को फिर गौरी गोपाल छोड़ने आ गई। काहे ताली बजा रही हो? मैया हमारी बड़ी भोली है, तू कितनी भोली है। इसमें भी मैया ने ताली ठोक दिया। हाँ ठीक किया। मतलब संसार में ना मेरी माँ सुख के सब साथी, दुख में ना। हाँ, ये संसार बहुत अच्छा लगता है दूर से, दूर के ढोल सुहावने, कहावत तो सुनी होगी। बेटियों को भी जब करने का नंबर आता है ना, तो वो भी पल्ला झाड़ लेती हैं। सब बेटियां ऐसी नहीं है, पर बहुत सारी ऐसी हैं, सबको नहीं बोला जा रहा है। बहुत सारी बेटियां तो करती हैं माँ की सेवा, खूब बढ़िया, पर बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत सारी ऐसी माएं गौरी गोपाल में हैं जिनकी बेटियां छोड़ के चली जाती हैं। बेटे छोड़कर चले गए, बेटियां चली गई, पोता लेके आते हैं अपनी दादी को, महाराज जी आप रख लो हमारी दादी को। धिक्कार है मूर्ख तेरे जीवन को कि एक बूढ़ी माँ का तू ख्याल ना रख सका। धिक्कार है उनके जीवन को जो एक, अरे इंसान इंसान की सेवा नहीं करेगा तो करेगा कौन? इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ता हूं, अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखिएगा, सम्मान दीजिएगा, सम्मान के साथ सेवा कीजिएगा। और आपसे एक छोटी मेरी विनती और है, गौरी गोपाल आश्रम में 280 माएं हैं, ये माताएं भी आपकी माताएं हैं, इन माओं को भी आप अपनी माता मानकर, और इन माओं के लिए भी आप सहयोग के हाथ जरूर बढ़ाइएगा। इन माओं की सेवा जिस लायक ईश्वर ने बनाया हो करिएगा जरूर, थोड़ी ही सही पर जरूर सेवा कीजिए।